उनके साथ उठते बैठते हो, आप उनके साथ वाचा में आते हो, आप उनके साथ वाचा में आते हो, भैया क्या बात कर रहे हो, हमने तो कोई वाचा वाली बांधी नहीं, हमने ना मुझसे बोला, हमने तो बस समय बिताया। आप एक बात याद रखो, जिसके साथ आप रहोगे उसके साथ वैसे ही बन जाओगे। वचन कहता है अच्छी अच्छा चरित्र जो है बुरी संगति से खत्म हो जाता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। कैसे कैसे? किसी के साथ बस रहने से ही सब कुछ में बदलाव आ जाता है, क्योंकि आप उसके साथ, अगर आप किसी से कहते हैं ना नजाती से चलो एक घंटे घूम के आते हैं, वो एक घंटे आपने उसके साथ वाचा बांधी है, उस एक घंटे में जो आपका है वो उसके पास जाएगा, जो उसका है वो आपके पास आएगा, और आपके पास क्या है, पवित्रता, सामर्थ्य, शांति और अभिषेक, वो उसके पास जाएगा और वो उसका कुछ कर नहीं सकता, वो उसके जीवन में कोई सुधार और बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है, वो ग्रहण नहीं करेगा, उल्टा घड़ा है वो, उल्टे घड़े में कुछ भी डालोगे जाएगा नहीं अंदर। लेकिन आप जो पवित्र लोग हो उनके ऊपर की अपवित्रता, अशांति है ना, बुराइयां, वो आपके ऊपर चिपक जाएंगी। कई लोग से जब मैं बात करता हूँ वो कई बार चर्च में नहीं आते, कहाँ गए थे भैया, वहां गए थे, यहाँ गए थे, घूमने गए थे, जैसे ही उनसे मैं बात करता हूँ उनके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव मेरे को महसूस होता है। तो क्यों अन्यजाति लोगों के साथ उठते बैठते हो, मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव और कोई भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, यहाँ तक कि आप किसी से मित्रता करते हो, छोटे बच्चों आप किसी के साथ पढ़ो, किसी के साथ बेंच में बैठते हो, आपका कोई खास दोस्त है, कोई खास फ्रेंड है, एक बात याद रखो, उनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, उनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और एक हमेशा याद रखो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि पवित्रता जो है फैलती नहीं है, लेकिन अपवित्रता फैल जाती है। आप पवित्र हो और अपवित्र से मिलोगे तो आपकी पवित्रता उसके ऊपर तो जानी नहीं है, बल्कि उसकी पवित्रता अपवित्रता आपको अपवित्र कर देगी, संक्रमण की तरह फैलती है अपवित्रता, याद रखो। और पवित्रता जो है कमानी पड़ती है, समय देना पड़ता है, रिश्ता निभाना पड़ता है, लहू से धुलना पड़ता है, तब पवित्रता आती है। आप ये नहीं सोच सकते कि कोई अन्य जाति को आप संगति में ले लोगे तो आपकी पवित्रता से वो पवित्र हो जाएगा, नहीं, यीशु के लहू से ही वो पवित्र हो सकता है। तो पवित्रता ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन अपवित्रता ट्रांसफर होती है। तो जब आप लोगों के साथ वाचा बांधते हो, नेगेटिव लोगों के साथ उठते बैठते हो, नेगेटिव लोगों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप कॉन्टेक्ट में रहकर आप उनके साथ तो एसोसिएट करते हो, उठना बैठना करते हो, बातें करते हो, है ना, छत पे घूम रहे हैं, पड़ोसी लोग हैं, उनके साथ खूब दुआ करी और उसके बाद उनके साथ समय बिता लिया, जितना कमाया था वो सब उनके ऊपर लुटा दिए, ऐसी गलती करते हैं विश्वासी। ये है वाचा, भले ही आपने एक घंटे की, आधे घंटे की, पांच मिनट की वाचा बांधी, लेकिन उस वाचा में आदान प्रदान होता है। याद रखो, वाचा ही एक ऐसी चीज है जिसमें आदान प्रदान होता है। हालेलुया, आपसे प्रभु ने वाचा बांधी तो क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, उनकी पवित्रता आपके ऊपर आई, आपकी अपवित्रता उनके पास गई। जब वाचा होती है तब आदान प्रदान होता है। एक बात और याद रखना, वाचाओं से आदान प्रदान होता है। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, लेकिन आदम हव्वा ने शैतान से वाचा बांधी। शैतान की सील क्या थी, एक तरफ जब परमेश्वर वाचा बांध रहा होता है तो एक बात याद रखो, शैतान खाली नहीं बैठा है, वो भी वाचा, जैसे ही परमेश्वर एक वाचा बनाता है उसके ठीक विपरीत शैतान वाचा बनाता है, ठीक विपरीत शैतान वाचा बनाता है। परमेश्वर ने कहा था फल नहीं खाना, उसने कहा खा लेना। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर की जो कंडीशन होती है उसके विपरीत उसकी कंडीशन होती है। देखो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, परमेश्वर ने आदम से जो वाचा बांधी थी उसकी ब्लेसिंग क्या थी, फूलो फलोगे, पृथ्वी में भर जाओगे, अनंत काल का जीवन रहेगा, ठीक है, मरोगे नहीं, कभी बीमार भी नहीं होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परिश्रम नहीं करना, कोई खेती नहीं करना, कुछ नहीं करना। परमेश्वर पूरी खेती करते थे तो तोड़ के फल खाना है, और वो भी खाने की मन हो तो खाओ, क्योंकि मरना तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि भूख से मर जाओगे, मरोगे नहीं, ठीक है, कितना बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉमिस थी। कंडीशन क्या थी, फल नहीं खाना, सील क्या थी, जीवन का वृक्ष अगर खा लोगे तो कभी नहीं मरोगे, ठीक है। अब शैतान ने उसके ठीक विपरीत कंडीशन हुई, परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, शैतान की वाचा में क्या था, मर जाओ, बीमारी से तुम्हारे मर जाओगे, बीमारी आ जाएगी और उम्र बहुत कम रहेगी तुम्हारी, ये प्रॉमिस थी, ये वादा था, शैतान ये वादा देकर वाचा बांध रहा था हव्वा से, आदम से। उसकी प्रॉमिस क्या थी, छोटा जीवन, मृत्यु का जीवन, कुड़कुड़ाते हुए जीवन, नाश होता हुआ जीवन, जितनी गंदगी आज है वो सब शैतान की आशीष है जो मनुष्य ने ले ली अपने माथे पर। और उसकी कंडीशन क्या थी उसकी कंडीशन क्या थी, परमेश्वर की मत सुनो, मेरी सुनो, परमेश्वर की मत सुनो। उसकी सील क्या थी, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष खा लो तो तुम हमेशा के लिए एक ऐसी चीज में आ जाओगे कि
तुम धरती पर पैदा होगे तो मरोगे। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और फल दिया था कि जीवन का फल खाओगे तो कभी नहीं मरोगे। शैतान ने फल दिया, कौन सा फल? भले बुरे का, तुम इसको खाओ और मरो, जैसे ही खाया मर गए। ये शैतान की वाचा थी। तो एक बात याद रखो, जब आप किसी के साथ जाते हो, क्या परमेश्वर के द्वारा आप उनके साथ जा रहे हो? क्या परमेश्वर ने बोला कि उनसे उठो बैठो? परमेश्वर ने बोला उनके साथ जो नशा करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके साथ उठो बैठो? अगर नहीं तो फिर वो शैतान ने बोला है, वो शैतान की योजना है। और शैतान आपको जहां भी लेकर जाएगा वहां पर चोरी करेगा, घात करेगा, हत्या करेगा। तीन चीजें होती हैं शैतान के पास, तीन चीजें आपको देने के लिए, चोरी, हत्या, घात। ठीक है, परमेश्वर आपको क्या देते हैं? जीवन देते हैं, बहुतायत का जीवन देते हैं, अपनी शांति देते हैं, उद्धार देते हैं। शैतान इसके विपरीत काम कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज हमने देखी जगह, दूसरी चीज हमने देखी लोग। इसी ने तो भजन संहिता में लिखा हुआ पहले अध्याय में, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्टा करने वाले पूरी मंडली में बैठता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी खतरनाक होता है। अगर आप उठते बैठते हो तो आप धन्य तो नहीं हो, बेसिकली आप धन्य नहीं हो। धन्य वो है जो बुरी संगति नहीं करता, धन्य वो है जो उठता बैठता नहीं है, धन्य वो है जो ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करता, संगति नहीं करता। अपने आप को निकाल लो, प्रभु का वचन कहता है निकलो उनके बीच से, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ठीक है, तो लोग, जगह, जगह, लोग, और दूसरी चीज इविल स्पिरिट, दुष्टात्माएं। दुष्टात्मा से भी लोग वाचा बांध लेते हैं। कैसे? शाउल, शाउल कहां गया? भूत साधने वाली के पास गया। भूत साधने वाली के पास जाकर क्या मिला? कुछ नहीं। परमेश्वर उससे और खफा हो गए, परमेश्वर उससे और नाराज हो गए। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप ये सब उल्टी सीधी चीजें करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, भूत साधने वाले के पास जाना इविल स्पिरिट है ना। और क्या करते हैं लोग? राशि फल देखना, अरे मेरी राशि तो ऐसे है, ऐसे मतलब कुंभ है, कुंभ है तो भैया कुंभ के लिए आज दिन कैसा है, ये हफ्ता कैसा है, ये महीना कैसा है, शादी हो रही, कोई बात नहीं, कंप्यूटर में जाओ या मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो और दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालो, कुंडली देख लो, है ना, अंक गणित, नया चांद पुराना चांद, इसने कहा कि वो इस जगह मत जाना, शनिवार को लोहा मत लाना, ये जो जितनी भी जो अन्य जातियों की रीतियों पर चलना शुरू कर दिया मसीह लोगों, छोड़ो ये सब। ये गंदे काम करने से शैतानी आत्माएं आपके जीवन में घुस जाती हैं। उससे देखो, राहेल से देखो, राहेल ने क्या किया? राहेल ने अपने पिता के देवी देवताओं को अपने पास रखा, इसके कारण क्या हुआ? वो पहुंच नहीं पाई, वो मर गई बीच में, बीच में मृत्यु आ गई, वो बांझ भी रही, बहुत पीड़ित रही, बहुत पीड़ित रही, और उसको अपने पति के साथ कब्र भी नहीं मिली। क्या आपको पता है उसकी कब्र अलग है इसराइल में, क्रियत अरबा में उसकी कब्र है, वो अलग जगह की कब्र है उसकी, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद क्रियत अरबा ही है या प्रेम के मार्ग पर, जहां भी है वो, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने उन देवी देवताओं को अपने पीछे लाई थी, हालेलुया। जब आप ऐसी वाचा बांधते हो तो आपकी ऐसी बुरी हालत हो जाती है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है किसी से हाथ पर हाथ रखकर उत्तरदायी मत होना। जब आप किसी से कमिटमेंट करते हो, हाथ मिलाकर, अरे बिल्कुल पक्का वादा, पक्की प्रॉमिस, अब तो बिल्कुल, अब ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, जितनी भी प्रकार के मुंह से बोलकर वाचाएं बांध लेते हो, हाथ पकड़कर वाचा बांध लेते हो, ठीक है, ये लोगों से वाचा में आता है, मुंह से भूलकर वाचा बांधना, है ना, हाथ से भूलकर वाचा बांधना। आपको पता है जैसे आपने यीशु मसीह में वाचा कैसे बांधी है? हाथ पकड़कर नहीं, आपने यीशु को देखा ही नहीं तो आप हाथ कैसे पकड़ोगे, लेकिन आपने बोलकर वाचा बांधी है जीसस से, बोलकर वाचा बांधी है। कैसे? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, जब आप कहते हो यीशु प्रभु है, जब भी पास्टर आपसे दुआ कराते हैं, नए नए आते हैं, तो सबसे पहले यही दुआ होती है, अंगीकार की प्रार्थना, है ना, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं यीशु के पीछे चलूंगी, उसके लिए जीऊंगी। जब आप मुंह से यीशु को प्रभु जानकर कहते हो तो क्या करते हो? आप यीशु से वाचा बांधते हो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है अन्य जाति देवी देवताओं का नाम भी तुम्हारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। वचन कहता है उनकी चर्चा भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप उनका नाम लेते हो, मुझे तो शर्म आती है, कई विश्वासी देवी देवताओं का नाम लेकर जी लगाते हैं। पता नहीं किस प्रकार का डर उनके अंदर घुसा हुआ है कि इनके आगे जी लगाना है। पहली बात तो उनका नाम मत लो, जी लगाते हैं। मैंने तो मुंह पर लोगों को टोका है, आप में से सुन रहे हो ना, आप में से कुछ लोग होंगे, मुंह पर मैंने टोका है, किसको जी?
कौन उसका उसका नाम मत लेना मेरे सामने, मैंने बहुत डांटा है कई लोगों को भाई, कई बार मैंने मना किया। जी लगाते हैं, शर्म मानी चाहिए आप लोगों को, शर्म करो, शर्म। जिसको परमेश्वर नाम नहीं लेता उसको तुम लोग नाम दे रहे हो, हाँ, जिसको परमेश्वर घृणित वस्तु कहता है उसका तुम नाम ले रहे हो, शर्म करो। आज के बाद कभी किसी भी उसका घृणित वस्तु बोल दो, इसका मंदिर उसका नाम ले लेके बताते हैं, उसका मंदिर, अरे बुद्धि मांगो, अक्ल मांगो, वचन पढ़ो, समझो, खुदा से प्रेम करते हो, खुदा के विरोधियों का नाम अपने मुंह पर लेते हो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। हालेलुया। तुमको नहीं पता जब तुम किसी का मुंह से नाम लेते हो, एक बात याद रखो, अपने घर में बैठ के सुराज सिंह का नाम लोगे ना, तुम्हारा पास्टर को सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब आप जब किसी भी प्रकार की आत्मा का नाम लेते हो तो वो आत्मा कहीं भी उस तक आपकी आवाज पहुंच जाती है। तुमको लगता है कि किसी का नाम लेने से कुछ नहीं होता, क्या बात कर रहे हो? जितने लोग मंत्र पढ़ते हैं करते क्या है, वो आत्मा तो और कहीं भटक रही है, दुष्टात्मा हो या कोई भी हो, वो कहीं और भटक रही, लेकिन बार बार बोलने से, बार बार बोलने से वो आत्मा क्या करती है, पाताल में से ऊपर आ जाती है। तुमको लगता है कि किसी का नाम लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो फिर तुम्हारे बच्चे परेशान है, तुम परेशान, क्योंकि तुम नाम लेते हो। अपने मुंह से घृणित वस्तुओं का नाम मत लेना, अपने जबान से गंदी बातें मत बोलना, मुंह से वाचा बांधते कुछ लोग गलत बातें, प्रियो ऐसा नहीं करना। और कुछ वस्तुओं से भी वाचा होती है, जैसे राहेल क्या करी थी, वस्तु को लाई थी, पुरानी वस्तुओं को रखे हुए, पुराने पुरानी चीजों को रखे हुए, पुराने पुराने श्रापित चीजों को रखे हुए। श्रापित चीजें नहीं होना चाहिए घर में। अरे वो तो वो जो हम सारी मूर्ति तो फेंक दी, लेकिन हमने वो है ना 10 तोले की एक छोटी सी मूर्ति थी, तो उसको क्या करा हमने, गड़ा कर उसका सोना रख लिया। ये जो है ना, जो एक्स्ट्रा बुद्धि चलती है, ये भी गलत है प्रियो, ऐसा नहीं करना। वो सोना भी घृणित है, वो चांदी भी घृणित है, उसको पिघला कर सोच लोगे कि फिर है ना भैया से हम दुआ करा लेंगे, पानी उस पर छिड़क लेंगे, शुद्ध हो जाएगा। कहां से आई आपको ये बुद्धि, किसने बताया आपको, किसने बताया आपको? ऐसा कभी होता है? घृणित वस्तु को फेंका जाता है, उसको शुद्ध नहीं किया जाता। घृणित वस्तु को फेंका जाता है, उसको शुद्ध नहीं किया जाता है। हमारे मेरे घर में, मेरी खुद की गवाही है कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें थी जो ऑर्नामेंट्स थे, चांदी के थे, हाथी दांत के थे, और भी कुछ कुछ था, एक मोबाइल था, ये सब मैंने उठाकर नंबर फेंक दिया। उससे 1000 रुपए मुझे मिल सकते थे, लेकिन मैंने बिल्कुल लालच नहीं किया। कुछ लोग लालच करते हैं, हालेलुया, मत करो लालच उन चीजों का। घृणित वस्तुएं तुम्हें चूस लेंगी, निचोड़ लेंगी, इसलिए कई लोगों को लहू बहने का रोग है। क्यों? क्योंकि उसको, आपको पता है, घृणित पैसा, घृणित श्रापित पैसा, श्रापित और घृणित जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, रकम होती है, उसके पीछे पीछे आप जब उस रकम को ले लोगे ना, तो क्या होता है, कई प्रकार की अंगूठियां, कई प्रकार के जो रत्न होते हैं, इनको जब आप ले लोगे तो आप क्या करते हो, रत्नों से वाचा बांध लेते हो। रत्नों से वाचा मत बांधो, रत्नों से है ना, ज्वेलरी से, दादी ने संभाल के रखी थी 10 तोले का हार, और उनने जिसको भी दिया, अब दादी का जी उसमें लगा था, दादी की पूरी मन लालच और सारा लगा था। अब दादी ने कैसे ली पता नहीं, किसी का कुछ हानि करके लिया होगा, किसी के कुछ चुरा के लिया होगा, या किसी से खरीद कर भी लिया होगा, तो जो खरीदा गया था वो भी किसी के साथ चोरी का था। अब आप उसको अपने पास रखोगे तो क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, कई लोगों के बच्चों की डेथ होने लगती है इसमें, किसी के, कई लोग है ना अबॉर्शन, बार बार गर्भधारण होता है, अबॉर्शन होने लगता है। मैं आपको बाइबल से सारी चीज प्रूफ कर सकता हूं, याद रखिए। चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं, क्योंकि बहुत बहुत लंबा टॉपिक है इसको तो, हालेलुया, कवर करने में बहुत लंबा टॉपिक है। मैं एक एक चीज की डिटेल बताऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, मैं जल्दी से बताता हूँ। धन के पीछे पीछे कैसे श्राप आता है, आपको पता है, नामान कोड़ी था और उसके पास धन था। जैसे ही उसका धन गेजी के पास आया, उसका कोड़ भी गेजी के पास आ गया। क्या आपने इस बारे में ध्यान दिया कभी, नामान का कोड़ निकला और एलिशा परमेश्वर के सेवक ने उस धन को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि एक सेवक जो होता है बहुत पीछे से सोच रहा होता है। मैं एक बार सच्ची घटना बताता हूं आपको। एक शख्स, नाम नहीं बताऊंगा, वो शख्स मेरे पास आते हैं और उनके हाथ में 500 का नोट होता है, वो 500 का नोट मुझे दे रहे होते हैं।
और जैसे ही वो मुझे नोट दे रहे थे, प्रभु ने कहा कि मत लेना। अब मैं बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ था, किसी को कैसे मना करना कि भेंट नहीं लेना। मैंने कईयों बार लोगों की भेंट रिजेक्ट की है, हालेलुया, कईयों बार रिजेक्ट की है, क्योंकि वो पाप भरे, खूनी है ना, गंदी कमाई, चोरी की कमाई, अशुद्ध कमाई के कमाई कमा कर सोचते हैं हम 500 का नोट देंगे, 2000 का नोट देंगे, 10,000, 1,00,000, 1,00,000 रुपए देंगे तो सेवक ग्रैंड कर लेंगे। सच्चा सेवक, आत्मा में चलने वाला कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सेवक हो जो आत्मा से चलता है वो पकड़ लेगा, उससे नहीं बच सकते आप। परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसको दिखा देगा आपके घर के पानी में क्या है, आपके घर के खाने में क्या है, आपके घर में क्या है, आपके घर जाने में क्या है, ये सब आत्मा में चलने वाले पकड़ लेते हैं। इसलिए आप जो है ना, लुका छिपी परमेश्वर के साथ मत खेलो, और उसके सच्चे सेवकों के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि उसके साथ खुदा का आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीदना बला रदना, क्या हुआ नामान कोड़ी के साथ, क्या हुआ देखिए ध्यान से। नामान कोड़ी का कोड़ तो निकल गया और उसके पैसे में उसका प्रभाव था। हो सकता है गलत तरीके से कमाए हुए पैसे में उस कारण कोड़ी था वो, हो सकता है चोरी करके कमाए उस कारण कोड़ी था, या फिर हो सकता है ना गलत तरीके से कमाया हो, ना किसी तरीके से कमाया होगा, हो सकता है वो किसी जगह लड़ने गया होगा, क्योंकि वो सेनापति था, वो एक बड़ा अधिकारी था, वो क्या करने, वो कहीं लड़ने गया हो, कहीं से उसने लूट कर वो धन लाया हो। लेकिन जिस घर से लूट कर लाया हो, जिन लोगों को मार कर लाया हो, वो उस घर के लोग कोड़ी हो, वो धन आते से ही नामान को कोड़ लग गया, वो धन जैसे गेजी के पास गया, गेजी को कोड़ लग गया। हालेलुया। हम लोग नहीं समझते, हमको लगता है अरे वाह रे रकम मिली, स्त्रियों बहनों प्रिय बेटियों, जितना लालच रकम रकम पे है ना, पीला पीला धातु, ये पीले धातु का मोह छोड़ दो। हालेलुया। मैं जानता हूं पीले धातु में कितनी नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, जरूरी नहीं है, परमेश्वर को आपको सोने से प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही आपकी किसी चीज से प्रॉब्लम है, और अगर अच्छा अच्छा धन है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो श्रापित धन होता है वो खतरनाक होता है। ऐसे ही एक सोना मेरे पास रहता था, मैं पहनता था उसको, मैं पहना करता था वो सोने को, जब मैं पहनता था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं प्रभु में आया तो मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ नेगेटिव है, इसमें कुछ प्रभाव है, मैंने उसको फेंक दिया। एक बार उतारा ठीक हो गया, जैसे ही पहना फिर उल्टी चालू, फिर प्रॉब्लम चालू। आपको समझना पड़ता है कि जब आप आत्मा में चलते हो तो आपको चीजें समझ में आने लग जाती। तो पैसा जैसे ही आया ना गेजी के पास, कोड़ भी आ गया, क्या आप समझ रहे हो। ऐसे ही कुछ जगहों का प्रभाव नेगेटिव होता है, वहां परमेश्वर खाने पीने से भी मना करता है, खाने पीने से भी मना करता है। ऐसे ही परमेश्वर ने उस नबी को मना किया था, जिसको बूढ़े नबी ने झूठ बोलकर वापस खिला दिया। परमेश्वर ने क्या कहा था, शोमरों में जाएगा तो वहां ना खाना ना पीना, और वो सेवक वही कर रहा था, लेकिन गलती करी तो क्या हुआ, मृत्यु आई। सेवक भी अगर इस क्षेत्र में गलती करेंगे, सेवकों आप भी सुनिए, आप भी इस क्षेत्र में गलती करेंगे तो याद रखिए, गलत वाचाएं गलत चीजों को लेकर आएंगी, चाहे आप सेवक हो। हाथ से, हाथ पर हाथ रखकर वाचा बांधना, खून की वाचा, खून की वाचा है ना, बलियां करते हैं कुछ लोग, शादी भी खून की वाचा है, शादी भी तो खून की वाचा है, खाना, खाने से भी वाचा, खाने से भी वाचा। जब हम होता है वाचा का भोज होता है, जैसे आप प्रभु भोज लेते हो, वो क्या है, वाचा का भोज है। खाने में इतनी दम है, वाचा खाना खाने से पूरी होती है, पक्की होती है। जब तक आपने प्रभु भोज नहीं लिया, मतलब क्या हो गया, आप वाचा में पक्के नहीं हो। वाचा का भोज भी तो होता है, हर वाचा का भोज होता है, ठीक है। आप देखते हो आदम हव्वा ने भी खाया था, मूसा के समय में लोग मन्ना खाते थे। जब आप वाचा में आते हो तो आप भोजन से भी वाचा में आ जाते हो, कई बार याद रखो। इसीलिए प्रभु का वचन देखो यहाँ पे क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय 19-20 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 19-20 यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। 20वां पद कहता है, 15:20 प्रेरितों के काम 15:20 कहता है, परंतु उन्हें लिख भेजें कि मूर्तों की अशुद्धताओं, मतलब प्रसाद, और दूसरा व्यभिचार, और तीसरा गले घोटे हुओं के मांस से, और चौथा लहू से परे रहें। प्रभु का वचन कहते हैं चार चीजों से दूर रहना है,
नए नियम में भी लागू है ये चीज, ये क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा हुआ, नए नियम में भी लागू है। जब आप व्यभिचार करते हो आप वाचा में आ जाते हो, जब आप किसी के जब किसी प्रकार का प्रसाद खाते हो आप वाचा में आ जाते हो। किसी का प्रसाद आपने मुंह में डाल लिया, कैसे संभव है कि आप प्रभु भोज लेकर परमेश्वर में बने रहो और फिर कोई जबरदस्ती आपके मुंह में प्रसाद ठोस दे वो आप खा लो। आप कहीं पूछेंगे भाई हमें पता ना हो तो वो बात अलग होती है, वो आपको पता नहीं है, परमेश्वर आपको बताएंगे, अगवाई देंगे कि मत खा। आपको घबराहट होगी, वो थाली आपके पास आएगी कि अरे और नहीं, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको बताएंगे, और अगर आप नहीं भी पता चलेगा तो आपके अंदर उल्टी से निकल जाएगा। अभिषेक परमेश्वर का ऐसा है कि वो तोड़ देगा, लेकिन आपने जानबूझ करके ग्रहण कर लिया ना, जानबूझ करके दबाव में आकर इस प्रकार से आपने किया तो उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। हालेलुया, इस चीज से बचो, क्या आप समझ रहे हैं? मूर्तों की अशुद्धताओं से बचो, व्यभिचार से बचो। व्यभिचार भी एक वाचा है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, मतलब वाचा, जिसके साथ आपका शारीरिक संबंध होता है वो उसके साथ आपका वाचा का लहू का संबंध हो जाता है, और बड़ा खतरनाक है। मैं आगे बताऊंगा वो कितना खतरनाक है। गला घोटों का मांस, जो मांस आप खाते हो वो लहू सहित नहीं खाना, लहू सहित खा लोगे तो भी गलत है। और गला घोटने वाला, गला कट के मांस होना चाहिए, गला घोट कर मांस नहीं खाना कभी भी। एक जगह हम लोग गए थे छत्तीसगढ़ में, जब मैं नॉनवेज हम लोग गए, कन्वेंशन था, हम लोग गए, मेरा भैया जी थे, अब वहां पर एक बंदा, आदिवासी लोग थे, वो लोग की टेक्निक थी कि मुर्गे को वो गला घोट कर काटते थे, गला घोटने के बाद मारते थे। मैं इत्तेफाक से पहुंच गया उस समय, आत्मा में जब आप चलते हो तो आपको पता होता करना क्या है, तो कहीं मुर्गा घट रहा था, अब कोई हम सेवक हैं भाई क्यों जाएंगे वहां पे, लेकिन मुझे आत्मा में लगा मुझे वहां जाना चाहिए। मैं जाके देखने लगा तो उसने गला को घोटा, मैंने कहा भाई ऐसा मत मारना, ऐसा मत मार उसको, गले इसको काटो, ऐसा नहीं करो। अरे ठीक है, वो उसको मुक्का मार रहा था, उसको वहीं की वहीं उसका लहू नहीं निकाल रहा था। खैर छोड़ो, गले घोटे हुए के मांस से दूर रहो और लहू से परे रहो, तो आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहोगे और परमेश्वर के साथ आप वाचा में रहोगे। और ये चार चीजें हैं, ये शैतान की वाचा है, ये जो चीजें क्यों मना की गई, प्रसाद, व्यभिचार, गला घोटा का मांस और लहू, ये जो भी ग्रहण करता है वो शैतान के साथ वाचा बांधता है। इज दैट क्लियर? इसलिए आपको शैतान के साथ वाचा नहीं बांधनी, शैतान के साथ वाचा बांधोगे तो क्या होगा आप सब जानते हो। आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं से भी वाचा होती है, इसका वो उठा लिया, ये पड़ा हुआ मिल गया, कई लोग है ना उतार कर दे देते, फेंक देते हैं ताकि वो है ना पड़ा हुआ सिक्का, पड़ा हुआ नोट। एक बार तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग घटना है। मैं सेवा करता था, मैं बीना अप डाउन करता था, बीना और भोपाल, तो मैं बीना या भोपाल से मैं लौट रहा था, ठीक है, मैं स्टेशन से निकला, मेरे सामने, मेरे आगे एक दद्दू चल रहा था, एक दादा चल रहा था। उस दादा ने क्या करा, अपने उसके हाथ में 50 का नोट था, उसने वो 50 का नोट मेरे सामने, मेरे पीछे, मैं उसके पीछे चल रहा था, वो मेरे आगे चल रहा था, उसने अपने जेब में से 50 का नोट निकाला और वो उसने ऐसे करके फेंक दिया और चल दिया, तुरंत आगे बढ़ गया रफ्तार से। मुझे लगा इससे गलती हो गई, इसके साथ गिर गया है, तो मैंने वो नोट उठाया, हालांकि मुझे आत्मा में लग रहा था कि नहीं उठाना, फिर भी मैं इतनी जल्दी जल्दी में था कि मैं समझ नहीं पाया, मैंने फिर भी उठाकर मैंने कहा अपन प्रभु के लोग हैं, नोट उठा कर दे दो। जैसे ही मैं उसके पास गया ना दौड़कर, जैसे ही मैंने उसको नोट दिया, वो बंदा क्या बोलता, अरे फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो। परमेश्वर ने मेरे मन में, ओ बाप रे, मैंने कहा बाप रे गलती हो गई मुझसे, मैंने कहा इसका फेंका हुआ मैंने उठाया क्यों, मैंने वही उसको फेंका, अपने हाथों को लहू से शुद्ध किया, उस चीज को तोड़ा। याद रखो वो तो परमेश्वर की दया मुझ पर थी, मेरे ऊपर अभिषेक था, तो वो टूट भी गया, उस चीज का असर नहीं हुआ मुझ पर। क्या पता क्या उसने किस तांत्रिक के द्वारा, किस बाबा भुजंगी के द्वारा इस प्रकार की मंत्र पढ़कर अपने कर्जों को उतारा हो उस 50 के नोट में, अपनी बीमारियों को उतारा हो उस 50 के नोट में, या किसी प्रकार का कोई पनौती उस नोट में थी, क्यों उसने वो गिराकर खुद ने नहीं पकड़ा कभी उसको, जब वो फेंका ना उसने पलट कर भी नहीं देखा और उसने दौड़ने, मतलब जल्दी जल्दी जाने लगा वो। और ऐसे समय पे जब ट्रेन आई थी, ये सब टेक्निक होती है, लोग खिला देते हैं, कितना हम सुनते हैं कि ट्रेन में मत खाना, क्या होता है खाने से, क्या होता है उसमें, नशीली चीज होती है, उसमें मंत्र की चीजें भी होती हैं, उसको खाने से आपका जो है मन बंध जाता है, फिर आप गलत निर्णय ले रखते हो। तो इसलिए याद रखो, एलिशा के समय में क्या हुआ था,
एक जो झील थी, एक जो नदी थी, उस जगह का जो पानी था वो क्या था, गर्भ गिराने वाला था। तो फिर पानी पीने से भी इतना असर होता है कि एक गर्भवती स्त्री का बच्चा जो है वो गिर सके। इतनी इतना श्राप हो सकता है वस्तुओं में, हम हल्के में क्यों लेते हैं, हम हल्के में क्यों लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बी सीरियस अबाउट इट डियर पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, और कई मंदिर में जा रहे हैं, हॉर्न बजा के जा रहे हैं, झुक रहे हैं। किसी के आगे झुकना वाचा में आता है, आप उसको अपना स्वामी मान रहे हो। झुकते आप किसके सामने, जो आपसे बड़ा है और जो आपका स्वामी, आप स्वामी के आगे झुकते हो। हम परमेश्वर के आगे झुकते, बाकी किसी के आगे नहीं झुकते। जो कोई ऐसे मंदिरों के सामने इधर उधर करके झुकते हैं वो भी वाचा बांध लेते हैं, पता है आपको। आप कहोगे भैया झुकने से क्या होता है, ठीक है। दानियल के समय देखो, शद्रक मेशक अभिदन्यु के समय देखो, उनको मूर्ति पूजा नहीं बोला गया था, उनको बोला था दंडवत कर देना। दंडवत करना मतलब घुटने टेक कर माथे टेक दो इस मूर्त के सामने, बस तुम्हारा जीवन बच जाएगा। शद्रक मेशक अभिदन्यु ने वही करना पसंद नहीं किया, क्यों, क्योंकि वही मूर्ति पूजा है, वही ये चिन्ह है कि आप परमेश्वर को अपना प्रभु नहीं, आप शैतान को अपना प्रभु मान रहे हो। उन्होंने अब मरना पसंद समझा, मरना उनने स्वीकार किया घुटने और झुकने के, घुटने टेकने और झुकने और दंडवत करने के अलावा। ठीक है, तो आप ये गलती ना करें। हालेलुया। हाथ भी दिखाते कुछ लोग तो बड़े ज्ञानी है, ऐसा यूट्यूब पे देख लिया है कि इससे क्या होता है, उससे ये रेखा का है कि ये देख तेरी एक शादी होगी, मेरी 10 शादी होगी, तेरी 15 होगी। ये नाटक भी छोड़ो। कम ऑन, हाथ देखना और हाथ दिखाना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। भावी कहने वाली आत्माएं और गलत दुष्ट आत्माओं का ही असर होता है, ये ज्ञान जरूर है, लेकिन इस प्रकार के ज्ञान को परमेश्वर के राज्य में प्रैक्टिस नहीं किया जाता। ये अंधकार के राज्य ने इस चीज को कंट्रोल कर रखा है। हाथ है ना, माणिक पहन लो, है ना, गुस्सा आता है तो आप मोती पहन लो, ये हार डाल लो, है ना, इसका वो सीधा बच्चा है तो उसको शेर का वो पहना दो। ये सब क्या है, शैतानी आत्माएं ट्रेवल करती हैं इन चीजों में। मत करना, ये चीज मत पहनाना, मत देखो हाथ, मत दिखाओ हाथ, ये नाटक छोड़ो। कुंडली देखना है ना, कुछ लोग अरे हमारा ये घूम गया, इसके पास गए बैठक में, उसके पास गए बैठक में, कई बहुत बहुत सारे लोग, कई प्रकार के क्रिश्चियन भी इस प्रकार की गलतियां करते हैं। परमेश्वर के पास तो आते नहीं है पूछने के लिए, वो भूत सिद्धि वालों के पास जरूर जाते हैं। ये क्या होता है, ये सारी चीजें वाचाएं होती हैं, जब आप वाचा में आ जाते हैं इन चीजों के कारण। ठीक है, जैसे आप जितने भी अन्य जाति से विश्वास में आए हुए लोग हैं, या फिर मसीह जो पुराने जन्म जाति से आई है, चाहे वो भी हो, आपको नहीं पता इतनी हजारों प्रकार की वाचाओं में आप हो। हो सकता है आपके दादा ने किसी चबूतरे पर माथा टेका हो, उसी प्रकार की आत्मा आपके जीवन में अभी तक है, आपने उस वाचा को नहीं तोड़ा हो। आपको पता है जब हम वाचा में आ जाते हैं तो वाचा जब तक टूटे नहीं वो हमारे ऊपर लागू होती है। हालेलुया। चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो, अगर आपने उसको तोड़ा नहीं, यदि वो टूटी नहीं है तो वो आपके ऊपर लागू है। चाहे आप मसीह में आ गए हो तो भी याद रखो, मसीह में आने से सारे श्राप नहीं कटते, मसीह में आने से सारी चीजें नहीं हटती। मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है, उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आत्मा पाने के बाद, टंग्स में दुआ करने के बाद भी मेरे ऊपर कई प्रकार के श्राप लागू थे, वो कई प्रकार की चीजें टूटी हैं, और आज भी मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि कितनी ऐसी चीजें आज भी आपके ऊपर लागू होंगी। गुस्सा आना, उद्धार तो पा लिया, सब हो गया, लेकिन गुस्सा चल रहा है हमारा। गुस्सा, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमसे सहन नहीं होता, हम फेंकने लगते हैं, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल कोई भी चीज है हमारी लाइफ में, तो हो सकता है वो गलत वाचा से हो। हालेलुया। गलत वाचा, वाचा मत बांधो, प्लीज कम ऑन। और आप विश्वासी हो, आप समझो, वाचा में मत रहो, प्लीज। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भूतों से वाचा बांधते हैं कुछ लोग। पहला इतिहास 10वां अध्याय के 13वें पद में लिखा हुआ, इस तरह शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। क्यों मर गया, जो यहोवा से उसने किया था। क्या किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था, फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। पहला इतिहास 10वां अध्याय उसका 13वां पद कहता है,
पहला इतिहास 10वां अध्याय 13वां पद कहता है, शाऊल विश्वासघात के कारण मर गया। कौन सा विश्वासघात? परमेश्वर से किया। कैसे किया? भूत सिद्धि वाली के पास गया। जब आप इस प्रकार के लोगों के पास जाते हो तो आप क्या करते हो? विश्वासघात करते हो। किससे? परमेश्वर से। और आप उनसे वाचा बांध लेते हो। आप जब तक परमेश्वर से वाचा में हो आशीषित रहोगे। जैसे ही आप परमेश्वर से वाचा तोड़ोगे, ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर से वाचा टूट गई और शैतान से नहीं बंधी। परमेश्वर से वाचा तोड़ने का मतलब ही ये है कि आप शैतान से वाचा में हो। क्या आप समझ सकते हो? न्यूट्रल गियर मत लगाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जगह से वाचा, धन से वाचा, कितने सारे वचन है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। प्रभु का वचन कहता है, दूसरा कुरंथियों का किताब उसका 6वां अध्याय का 17वां पद कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल जाओ, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। सोचो, छूने से भी नाटक होता है तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर तुमने अशुद्ध वस्तुएं छुई, अशुद्ध वस्तुओं के पास गए, अशुद्ध वस्तुएं खाई पी, वाचा बांधी, तो क्या होगा? परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं रह पाओगे आप लोग। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह है उसका 52वां अध्याय 11वां और 12वां पद कहता है, देखो क्या लिखा है, दूर हो, वहां से निकल जाओ। वहां से मतलब उस जगह से, वहां से निकल जाओ, उस जगह से निकल जाओ। क्यों परमेश्वर ने मिस्र में आशीषित नहीं किया? मिस्रियों को मारकर मिस्र में बढ़ा देते। जगह श्रापित थी। हालेलुया, जगह श्रापित थी। आपको पता है यरीहो को, जब यरीहो की जब दीवार गिरी तो यहूश ने क्या बोला, इस दीवार को जब दोबारा कोई उठाएगा तो उसका बच्चा मर जाएगा। और आपको पता है कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद ऐसा ही हुआ, किसी ने उस दीवार को बनाने की कोशिश करी, उनका बच्चा मरा। जगह पर श्राप होते हैं, उस जगह पर जाने से उस जगह की वाचा में हम आ जाते हैं और उस वाचा का असर हम पर होता है। वाचा पॉजिटिव भी होती, नेगेटिव भी होती है। प्रभु यही तो कहता है ना, यशाया 52वें अध्याय के 11वें 12वें पद में यही तो लिखा है, दूर हो, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उनके बीच में से निकल जाओ, उनके पात्रों के पात्रों को, यहोवा के पात्रों को ढूंढने वालों, अपने को शुद्ध करो। 12वां पद, तुमको उतावली से निकलना नहीं पड़ेगा। क्या होता है जब आप गलत वाचा में होते हो? आप भगोड़े रहते हो। कैन के साथ यही तो हुआ था, उतावली से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, परमेश्वर की अगवाई नहीं है, परमेश्वर बात करना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर से वाचा तोड़ दिया, आपने गलत वाचा में आ गए। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आमीन। प्रभु जी आपको आशीष दें, आजाद करें, परमेश्वर का आत्मा आपसे और अधिक इस विषय में बातें करें। जो आपने ग्रहण किया है उसे ग्रहण करते हुए अपने आप को बचाओ इन चीजों से, जो गलतियां आपसे हो रही थी, निकलो उन चीजों से। प्रभु का वचन कहता है उनमें से निकल जाओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर हम उन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे तो उन्हीं लोगों में फंसे रहेंगे, उन्हीं चीजों को जो परमेश्वर ने मना किए करते रहेंगे तो हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। प्रभु का वचन कहता है उन चीजों को छोड़ दो, निकल जाओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट आओ, वचन कहता है। पहले आप काम करो, पहले आप परमेश्वर से क्षमा मांगो गलत वाचाएं अगर आपने बांधी है तो। हालेलुया, इस वचन का एक और भाग होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीष जरूर हुए होंगे। अगर आपने विश्वास के साथ ग्रहण करा है तो प्रभु जी से क्षमा मांगिए। प्रभु ने इस विषय में आपसे बात की है, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप प्रभु से क्षमा मांग कर प्रभु से दुआ करिए। प्रभु जी हम आपके चरणों में आकर क्षमा मांगते हैं, दुआ करते हैं। मेरे पिता आप इन बच्चों को आशीष दीजिएगा, बलवंत कीजिएगा, मजबूत कीजिएगा, गलत वाचाएं टूट जाएं। नहीं नहीं परमेश्वर आपके लोगों के साथ वाचा बांधे, जो बुद्धिमान की संगति करता है बुद्धिमान होता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान के साथ वाचा बांध लेता है, वो बुद्धि को प्राप्त करता है। हाँ मेरे पिता, ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जितनी वाचाएं हमने देखी और सुनी है मेरे पिता, उनके विषय में मेरे पिता हम सजग रहें, संवेदनशील रहें, गलत ना करें, गलती ना करें, फंदे ना में ना फंस जाएं, क्योंकि प्रभु आपका वचन ये कहता है कि गलत वाचाएं बांधकर फंदे में फंस जाते हैं। मेरी यही दुआ है इन बच्चों से और अधिक इस विषय में आप बातें कीजिएगा। आपके नाम की महिमा इन बच्चों के जीवन से होने के लिए आप सहायता कीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसे ही कर दिया। आदर महिमा आपके चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थी नाम में हम मिलकर दुआ को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। हफ्ते में एक दिन उपास रखें। प्रभु आपको आशीष दे, आपका हफ्ता भर आशीषित रहे।
आत्मा में उठें, बलवंत हों, मजबूत हों, परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक होने के नाते आप लोगों को ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं और कहता हूं प्रभु की आशीष आप पर हो, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर बहे, परमेश्वर का नाम आपके ऊपर रहे, अंधकार की ताकत आपको देखने और छूने भी ना पाए, परमेश्वर की पवित्रता में आप बने रहो, परमेश्वर के नजदीक बने रहो और आशीषित होते जाओ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बलवंत करे, फलवंत करे और आप बढ़ो और आप परमेश्वर में मजबूत होते जाओ। मेरी यही दुआ है। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखें, आशीषित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दूसरे की खेती को सींचेंगे तो आपकी भी सींचेगी। आप जैसा बोएंगे आप वैसे ही काटेंगे, इसलिए आपको अनिवार्य है जैसा आप लोगों से व्यवहार करते हैं वैसे ही आपसे व्यवहार होगा। आप बेहतर व्यवहार करें, प्रेम के साथ रहें, मिलाप मेल मिलाप के साथ रहें, एक दूसरे की केयर करें। अगर आपके पास ज्यादा है तो उनको दे दें, जिनके पास कम है उनकी हेल्प करें। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सब विश्वासीगणों के साथ इस पूरे हफ्ते प्रभु के दूसरे आगमन तक वरण योग गान योग हम सब के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं सारी आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ, प्रभु जी को देता हूँ और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का हृदय से धन्यवाद हूँ कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और मेरे जीवन से परमेश्वर ने बातें की। हालेलुया।